A very good morning to all of you. Welcome to my IELTS speaking test series, IELTS Talks with Karishma. Hi, I'm Karishma Joshi, the founder of Navigators Education, a mother of two cute daughters, a powerful source together, a wife to a founding partner, Chirag Joshi, a soulful and a supportive man, and a daughter to a father who taught me to value myself, to believe in self-worth and blossom into a strong and courageous woman. I am a certified trainer by IDP Australia, British Council, Cambridge University, PTE and TOEFL too. Having 17 plus years of experience by training and helping to secure desired score in IELTS and PTE to more than 10,000 students till date by both offline and online modes. So guys, आज का क्यू कार्ड शुरू करते हैं. अवर टूडेज क्यू कार्ड टॉपिक इज डिस्क्राइब अ लॉन्ग वॉक यू एवर हैड. मतलब हम कहीं पे भी बहुत एक अच्छी लंबी वॉक पे किसी के साथ गए हो, या तो फिर जब हमने लॉन्ग वॉक लिया है उसके बारे में हमें बात करना है कि व्हेन दिस हैपेंड. मतलब वो कब आपने लॉन्ग वॉक लिया था, वेयर यू वॉकड, आपने कहाँ पे वॉक किया था, हु यू वेयर विथ, आप किसके साथ थे, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट दिस वॉक. तो आप दोनों चीज़ में आंसर बता सकते हो कि वॉक के बारे में तो ज़रूरी है कि हम लोग डेली वॉक करते ही हो, तो आप दोनों तरीके से आंसर की शुरुआत कर सकते हो. जैसे कि वेल आई वुड लाइक टू से आई एम वेरी मच लाइक यू नो हेल्थ कॉन्शियस पर्सन एंड आई बिलीव इन लाइक यू नो वॉकिंग ऑन डेली बेसिस. मैं डेली बेसिस पे वॉकिंग करने में बिलीव करती हूँ या करता हूँ, और उसकी वजह से डेली लाइक यू नो मॉर्निंग में मैं 30 मिनट्स वॉक लेती हूँ या तो लेता हूँ. और I would like to say that I'm really not good at walking. मुझे walk करना बिल्कुल ही पसंद नहीं है. I'm not able to give time to walk. Although I know that it is good for health, but I'm not able to focus on my timing and I'm not able to like you know go for a walk. But yes, here I remember one time when I had a walk. फिर आप पीछे की बात शुरू कर दीजिए. कब लिया था वो walk? तो like you know just to say 15 days back. और से लास्ट मंथ, और लाइक यू नो आई रिमेंबर इट वॉज ऑलमोस्ट से इन लास्ट समर्स और लास्ट विंटर्स. ठीक है, इस तरीके से भी बोल सकते हो. ज़रूरी नहीं कि हर बार हम बोले कि वन मंथ बैक, टू मंथ बैक. थोड़ा लाइक यू नो आप अलग वोकैबुलरी का भी यूज़ कर सकते हो. लाइक यू नो इन लास्ट विंटर्स आई रिमेंबर लाइक यू नो व्हेन आई हैड अ वॉक लाइक यू नो बिग वॉक और लाइक यू नो अ लॉन्ग वॉक विथ माई लाइक यू नो फ्रेंड और लाइक यू नो किसी के भी साथ. बार वो तो हम बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको सबसे पहले वो क्लियर करना है कब आपने वो वॉक लिया था. फिर वॉक कहाँ पे किया था? तो ऑन द पाथवे ऑफ माय सिटी और इन द गार्डन विच इज़ नियर टू माय होम और अ बिग गार्डन इन माय सिटी और फार्म में आपने वॉक लिया था. कई बार आप घूमने गए थे कहाँ पे, वो फार्म था तो फार्म में आप गए थे वहाँ पे, या तो ट्रैकिंग करने गए थे तब आपने वो बड़ा लेकिन लॉन्ग वॉक लिया था. अब वो किसके साथ था? तो पाथवे या गार्डन है तो आप बता सकते हो मेरे फ्रेंड के साथ, मेरे भाई बहन के साथ, या तो लाइक यू नो कज़िन के साथ. फार्म में है तो आप अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर सकते हो. भी हाँ, हम लोग हमारे एक विलेज गए थे वहाँ पे फार्म था तो मेरे पापा मुझे वो फार्म घुमाने लेके गए थे, तो देर वी हैड अ रियली लॉन्ग वॉक. या तो मेरे अंकल के साथ, या तो ग्रैंडफादर के साथ. अगर ट्रैकिंग है तो मेरे ग्रुप के साथ, मेरे सर के साथ, ठीक है, या तो ट्रैकिंग में भी मेरे फ्रेंड के साथ. तो उस तरीके से आपको यहाँ पे एक बताना है किसके साथ आपने वो वॉक लिया था. नाउ आप बता सकते हो कि जनरली लाइक यू नो एवरी डे आई लाइक यू नो जैसे कि आप अगर रोज़ वॉकिंग करते हो ऐसे, तो नॉर्मली आई यूज़ टू वॉक फॉर से 2 to 3 किलोमीटर्स एवरी डे, या तो फिर जब भी मैं वॉक करती हूँ तभी इतना ही करती हूँ या करता हूँ 2 to 3 किलोमीटर्स का. लेकिन उस दिन हमने 5 to 6 लाइक यू नो किलोमीटर्स का वॉक किया था एंड इट वॉज लाइक यू नो इट टूक ऑलमोस्ट मोर देन 1 hour टू लाइक यू नो वॉक. एंड दिस लाइक यू नो वॉक गेव अस टाइम, मतलब आप जिसके भी साथ वॉक पे गए हो तो स्पेंड लाइक यू नो क्वालिटी टाइम विथ ईच अदर. एंड इट वॉज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. एंड लाइक यू नो नॉट ओनली बाई वॉकिंग लाइक यू नो वी जस्ट लाइक यू नो शेयर द गुड कंपनी विथ ईच अदर. हमने सिर्फ कंपनी शेयर नहीं की थी वॉक करने से, पर हमने बहुत सारी और चीज़ों को भी शेयर किया था. जैसे कि हम हमारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, हम हमारे लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहे थे, फैमिली के बारे में कुछ बात कर रहे थे, दूसरे फ्रेंड्स के बारे में भी, और हमारे फ्यूचर के बारे में हमने बहुत सारे डिस्कशंस किए. आप बता सकते हो क्या क्या किसके साथ है आपने वॉक लिया है, तो उसके साथ आप किस तरीके से बात कर सकते हो, तो उसको यहाँ पर थोड़ा आपको कनेक्ट करके बताना है. ठीक है, और वो जब
आपने वो टाइम स्पेंड किया तो आपको कैसा लगा? तो इट वॉज रियली एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई फेल्ट रिज्यूविनेटेड एंड रिचार्ज आफ्टर दिस वॉक. और जो मुझे था कि मुझे पता भी नहीं चला जिन्होंने इस व्यक्ति के साथ जब इतना वॉक किया, तो इवन आई डिडंट रियलाइज दैट आई हैव ऑलमोस्ट वॉक डबल देन माई रेगुलर वॉक. सो टुडे लाइक यू नो आई वुड लाइक टू से दैट दिस वॉज अ ब्यूटिफुल टाइम ड्यूरिंग माई वॉक दैट आई रियली इंजॉयड विथ माई फ्रेंड और विथ माई ब्रदर. और उसका नाम भी आप बता सकते हो यहाँ पर. सो टुडे ऑल्सो वेन एवर लाइक यू नो वी मीट वी स्टिल लाइक यू नो टॉक अबाउट दैट ट्रिप एंड एक्सपीरियंस ऑफ अवर वॉक टुगेदर. So I think that I will never forget this walk which I had with my friend or with my family or with my father or grandfather or anyone. So guys, I hope you are getting very good ideas for your FUCA topics. So keep preparing, keep sharing and keep recording your answers. So see you tomorrow with one more FUCA. Till then, bye bye and take care.